भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब मतदाताओं को मतदाता पर्ची के साथ एक फोटो युक्त पहचान साथ में ले जाना जरूरी है। मतदाता पर्ची को निर्वाचन आयोग ने सिर्फ प्रचार का माध्यम माना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अब मतदाताओं को वोटर पर्ची के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने 11 विकल्प दिए हैं। इस संबंध में एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने कहा, हाँ, इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने अपने 11 मार्च 2018 के सर्कुलर के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि मतदाता पर्ची को मात्र पहचान के रूप में पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब वो उसको नहीं किया जाएगा, पहचान के रूप में उसकी गणना नहीं की जाएगी, सिर्फ प्रचार के रूप में उसे माना जाएगा, मतदाता जागरूकता के रूप में उसे माना जाएगा। उसके साथ एपिक या 11 जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से एक विकल्प का कोई पहचान पत्र फोटो युक्त लाना पड़ेगा। इसमें जो मुख्य 11 विकल्प दिए गए हैं वो हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र। चौथा है बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक। पांचवा है पैन कार्ड। छठा है NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड। सातवां है मनरेगा जॉब कार्ड। आठवां है श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। नवां है फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज। दसवां है सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र। और ग्यारहवां है आधार कार्ड। तो मतदाता पर्ची के साथ में इसमें से कोई एक पहचान पत्र फोटो युक्त लाना पड़ेगा।